ए, सुन, आज की अपडेट में एक नया नक्शा आया। उन्होंने नए हीरो भी शामिल किए हैं। कसम से बता रहा हूँ, गेम कमाल की है। पता है गेम में मेरा फेवरेट कैरेक्टर है एक बंदर पेंटेकिल, बहुत ही बढ़िया है। आज की गेम तो मैं ही जीत के रहूंगा पक्का। हेलो, कहाँ हो तुम? आज गेम का एक नया अपडेट आया है, जल्दी यहाँ आ जा, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। फेंघाओ, उठो फेंघाओ, क्या हुआ तुम्हें? एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी से, फेंघाओ, जल्दी करो, जल्दी फेंघाओ। डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? मुझे अफसोस है, हम उसे बचा नहीं पाए। तुम्हारे बिना तुम्हारी बूढ़ी माँ कैसे जिएगी? बचाओ, चिंगवांग, उठो बेटा, उठो। बेटा क्या हुआ, क्या कोई बुरा सपना देखा तुमने? लो थोड़ा पानी पी लो। हाँ, आराम करो। माँ, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैं और फेंघाओ साथ में गेम खेल रहे हैं। हम खेल रहे थे तभी मैं बेहोश हो गया। एक बहुत बड़ा राक्षस मेरा पैर पकड़कर मुझे एक गहरे अंधेरे गड्ढे में खींच रहा था। मेरा बेटा, घबराओ मत, तुम्हारे पापा और मैं दोनों यहां पर हैं। अब तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारो, और शैतान तुम्हारे पास आने का साहस नहीं करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। पहले तुम्हारे पापा और मैं तुमसे गेमिंग छोड़ने के लिए कहते थे तो तुम सुनते ही नहीं थे। अब तुम समझ रहे हो कि ये गेम खेलना कितना खतरनाक है। यदि तुम अब भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, उसके वचन नहीं पढ़ते, तो तुम्हारी हालत और भी खराब हो सकती है। तब कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। माँ, मैं भी गेमिंग छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूं। बेटे, हम जानते हैं कि गेमिंग की लत को छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सही है। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। इस गेमिंग की आदत को छुड़ाने में परमेश्वर ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना? पापा, क्या परमेश्वर इसमें मेरी मदद करेंगे? जरूर करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। क्योंकि तुमने उनके कार्यों का अनुभव नहीं किया है, इसलिए तुम ये नहीं जानते। यदि तुम परमेश्वर की प्रार्थना अपने मन से करोगे, अपने सारे कष्ट परमेश्वर को बता दोगे और पूरी निष्ठा से उनसे अपनी रक्षा करने की विनती करोगे, तो वो तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। सही है। तब वो तुम्हें सत्य को समझने के लिए प्रबुद्ध करेंगे। जब तुम इसको समझ लोगे तो जान जाओगे कि गेम खेलने के लिए इंटरनेट पर जाना कितना उबाऊ है। ये एक फालतू काम है, समय की बर्बादी है। ये सच है शिंगवांग। इस गेमिंग ने लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया है। जब तुम सच्चाई को समझोगे, तुम इन खेलों पर खींच जाएगी, गेमिंग से घृणा करोगे, तुम्हें लगेगा कि ये उबाव है, समय की बर्बादी है। सही है। इस तरह से तुम अपने मन पर काबू रख पाओगे, इस गेम को छोड़ पाओगे। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे, इस लत से दूर करे, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। सच है बेटा। बेटे, आओ परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़ें,
तुम समझ पाओगे कि केवल परमेश्वर ही शैतान के दिए कष्टों से हमारी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मेरे वचन ऐसी औषधि हैं जो हर तरह के रोगों को ठीक कर देते हैं। यदि तुम मेरे सामने आते हो तो मैं तुम्हारा उपचार कर दूंगा और इस तरह से तुम मेरी सर्वव्यापकता और अद्भुत कर्म देख सकते हो। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि अब अंत के दिन हैं। दुष्ट शैतान शेर की तरह दहाड़ता हुआ घूम रहा है, लोगों को निगल जाने के लिए उन्हें खोज रहा है। हर तरह की महामारियां फैल रही हैं और यहां अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं। मात्र मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं, मात्र मैं आश्रय हूं। तुम मात्र मेरे गुप्त धाम में छिप सकते हो, मात्र मेरे भीतर, और तब तुम पर ना कोई विपत्ति आएगी और ना कोई आपदा तुम्हारे निकट आएगी। शिंगवांग, इस अंश को तुम पढ़ो। ठीक है। जब कभी शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करता है या बेलगाम क्षति में संलग्न हो जाता है तो परमेश्वर आलस्य से किनारे खड़ा नहीं रहता है। ना तो वो एक तरफ हट जाता है या ना ही उन्हें अनदेखा करता है जिन्हें उसने चुना है। वो सब जो शैतान करता है वो बिल्कुल स्पष्ट है और उसे परमेश्वर के द्वारा समझा जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शैतान क्या करता है और किस प्रचलन को उत्पन्न करता है, क्योंकि परमेश्वर वो सब जानता है जिसे शैतान करने का प्रयास कर रहा है, और परमेश्वर उन लोगों को नहीं छोड़ता है जिन्हें उसने चुना है। इसके बजाय परमेश्वर कोई ध्यान आकर्षित किए बिना गुप्त रीति से शांति से सब कुछ करता है जो आवश्यक है। अर्थात जब मनुष्य पैदा हुआ था उस समय से लेकर अब तक परमेश्वर को उनमें से प्रत्येक की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। इस सुरक्षा का अर्थ यह है कि तुम्हें शैतान के द्वारा निगला नहीं जा रहा है। क्या यह महत्वपूर्ण है? तुम्हें शैतान के द्वारा निगला नहीं जा रहा है। अतः क्या यह तुम्हारी सुरक्षा से संबंधित है या नहीं? यह वास्तव में तुम्हारी व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित है और इससे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं हो सकता है। जब एक बार तुम्हें शैतान के द्वारा निगला जाता है तब ना तो तुम्हारी आत्मा और ना ही तुम्हारा शरीर आगे से परमेश्वर का है। परमेश्वर तुम्हें अब आगे से नहीं बचाएगा। परमेश्वर ऐसी आत्माओं को छोड़ देता है और ऐसे लोगों को छोड़ देता है। अतः मैं कहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसे परमेश्वर को करना है वो तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देना है। यह गारंटी देना है कि तुम्हें शैतान के द्वारा निगला नहीं जाएगा। यह अति महत्वपूर्ण है कि नहीं? मुझे तो, मैं एक अंश पढ़ती हूं। क्योंकि परमेश्वर का सार पवित्र है। इसका मतलब है कि केवल परमेश्वर के माध्यम से ही तुम जीवन के आर पार सही मार्ग पर चल सकते हो। केवल परमेश्वर के माध्यम से ही तुम जीवन के अर्थ को जान सकते हो। केवल परमेश्वर के माध्यम से ही तुम वास्तविक जीवन को जी सकते हो, सच्चाई को धारण कर सकते हो, सच्चाई को जान सकते हो। और केवल परमेश्वर के माध्यम से ही तुम सच्चाई से जीवन प्राप्त कर सकते हो। केवल स्वयं परमेश्वर ही तुम्हें बुराई से दूर रहने में सहायता कर सकता है और शैतान की हानि एवं नियंत्रण से छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर के अलावा कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी चीज तुम्हें कष्ट के सागर से नहीं बचा सकती ताकि तुम आगे से कष्ट ना सहो। इसे परमेश्वर के सार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। केवल स्वयं परमेश्वर ही इतने निस्वार्थ रूप से तुम्हें बचाता है। केवल परमेश्वर ही अंततः तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी नियति के लिए और तुम्हारे जीवन के लिए जिम्मेदार है और वो तुम्हारे लिए सभी हालातों को व्यवस्थित करता है। ये कुछ ऐसा है जिसे कोई सृजा गया या ना सृजा गया प्राणी हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई सृजा गया या ना सृजा गया प्राणी परमेश्वर के इस प्रकार के सार को कभी धारण नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति या प्राणी में तुम्हें बचाने या तुम्हारी अगुवाई करने की योग्यता नहीं है। शिंगवांग, हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंश पढ़ लिए हैं, क्या तुम अब परमेश्वर की इच्छा समझ पाए?
परमेश्वर का हर कार्य मानवता के उद्धार के लिए होता है, ताकि हम शैतान के भ्रष्टाचार और पापों से बच सकें। सही कहा। ताकि हमारा शुद्धिकरण और रक्षा हो सके। यदि हम परमेश्वर में निष्ठा से विश्वास नहीं करते, सत्य की खोज नहीं करते और शरीर की बुरी आकांक्षाओं का त्याग नहीं कर सकते, तो क्या परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे? मानवता की रक्षा के लिए परमेश्वर ने इतने वचन बोले हैं, इतने सत्य व्यक्त किए हैं, इतने कार्य किए हैं, क्या ये सब मनुष्य के प्रति परमेश्वर का प्रेम नहीं है? हाँ। यदि हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते या परमेश्वर के सत्य को नहीं स्वीकारते हैं, तब क्या ये परमेश्वर में श्रद्धा रखना है? बिल्कुल शिंगवांग। देखो, तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो, फिर भी तुम वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते और उसका भरोसा नहीं करते, इच्छाओं और गेमिंग को नहीं छोड़ सकते, ये परमेश्वर में श्रद्धा रखना है? यदि परमेश्वर में विश्वास करते समय हम उनसे दूरी बनाए रखते हैं, उनके वचन पढ़ने को नकारते हैं और उनकी इच्छा को अनदेखा करते हैं, तो क्या तब वो हमारी रक्षा कर सकेंगे? उन सब अविश्वासियों को देखो जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते और पाप के सुखों में लिप्त रहते हैं। जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो विनाश का रास्ता है। फेंगहाओ परमेश्वर में विश्वास नहीं करता था और सदा गेम खेलता रहता था। क्या शैतान ने उसकी जान नहीं ली? अगर तुम परमेश्वर की मन से प्रार्थना नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे, तो तुम इस गेमिंग की लत को नहीं छोड़ पाओगे। ये सच है बेटे। अगर तुम शैतान के चुंगल से छुटकारा नहीं पाओगे, तो वो हमेशा तुम्हें सताता रहेगा। परमेश्वर के वचनों ने हमारे लिए ये सब स्पष्ट कर दिया है। तुम अपने लिए क्या चुनोगे, ये तुम पर है। पापा, मम्मी, मैं गलत था। जब मैं कहता था कि मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं, तो मैं बस आपको टालने के लिए कहता था। मैंने परमेश्वर के वचन ध्यान से नहीं पढ़े और ना ही प्रार्थना की। मैं सिर्फ गेम खेलता रहा और शैतान ने मुझे हानि पहुंचाई। अब मैं समझ गया हूं कि परमेश्वर के वचन कितने व्यवहारिक हैं। उनकी बातें हमें सत्य को समझने में मदद करती हैं, जिससे हम शैतान के चंगुल से छूटकर परमेश्वर द्वारा रक्षित हो सकते हैं। मेरे गेमिंग न छोड़ पाने का कारण यह है कि मैं सत्य को नहीं समझता, चीजों को स्पष्ट नहीं देख सकता, और तभी मैं मन की इच्छाओं को नहीं छोड़ सकता। सही बात है। अब से मैं परमेश्वर के वचनों को ध्यान से पढ़ूंगा और आपसे सत्य की चर्चा सुनूंगा। देखना, जल्दी ही मैं इस लत से छुटकारा पा लूंगा। सचमुच। पापा, मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे बच्चे, आज तो तुमने अपने दिल से बात की है। आज के बाद अगर तुम निष्ठा के साथ परमेश्वर में विश्वास करो, तो मुझे चिंता नहीं होगी। शिंगवांग, आज तुमने जो कहा है उससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम जरूर ठीक हो जाओगे। हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं। हाँ, हम प्रार्थना करें। हाँ।